नमस्कार। साल 2019 का टाइम मैगजीन सबको याद है जब उसके कवर पेज पर एक हेडलाइन छपी थी जिस पर लिखा गया था भारत का डिवाइडर इन चीफ और सामने तस्वीर लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूरे भारत में टाइम मैगजीन की जबरदस्त आलोचना हुई थी और कहा गया कि जानबूझकर टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया है। लेकिन इस बार साल 2020 में जब टाइम मैगजीन ने दुनिया के 200 सबसे ताकतवर शख्सियतों की लिस्ट जारी की तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह देनी पड़ी। अब ये चाहे उसकी मजबूरी रही हो चाहे उसका रिसर्च रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसे सुनकर उसे देखकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भले ही उसे दुनिया की ताकतवर शख्सियतों में उन्हें गिना जा रहा हो लेकिन उनके बारे में इस मैगजीन में नेगेटिव बातें लिखी गई हैं, यानी उनकी छवि के इतर उनके खिलाफ बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं मैं आपको वो एक एक लाइन पढ़कर बताता हूं, हिंदी में उसका रूपांतरण करके बताता हूं। वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है, ध्यान से समझिएगा, वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है। इससे केवल यह पता चलता है कि सबसे अधिक वोट किसे मिला। ज्यादा अहम उनका अधिकार है जिन्होंने विजेता को वोट नहीं दिया, मतलब वो जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, जो वोट देते हैं और उनका वोट विपक्षी दलों को चला जाता है, उनके बारे में बात हो रही है। 7 दशकों के से अधिक समय से भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। इसकी 130 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्म के लोग शामिल हैं। भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं जिसकी तारीफ दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता के उदाहरण के तौर पर की है। उसी मैगजीन में आगे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह के घेरे में ला दिया है। यानी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो सभी संप्रदाय के लोग साथ मिलकर रहते हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेह में ला दिया है। यद्यपि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80%, अब इसमें क्या कहा जा रहा है आगे सुनिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के 80% प्रधानमंत्री हिंदू रहे, ये इसमें दावा किया जा रहा है और जो ज़्यादातर वोटर होते हैं वो इसी समुदाय के होते हैं। इसमें इस लेख का मतलब ये है कि मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है आज के लोकतंत्र में और खास तौर पर इस मैगजीन में या इस बार के इस पब्लिकेशन में इसी बात की आलोचना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की इसी बात पर आलोचना हुई है कि उनके शासनकाल में, उनके दौर में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है और उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मुसलमान परेशान है ये बताने की छवि, ऐसी छवि दिखाने की कोशिश की गई है टाइम मैगजीन में। वैसे हम आपको फिर बता दें कि टाइम मैगजीन जो दुनिया की बहुत प्रचलित और प्रमुख मैगजीन है, बहुत चर्चित मैगजीन है, उसमें भारत के 6 चेहरों को शामिल किया गया है। अब ये 6 चेहरे कौन है आप पूछेंगे, कौन है, तो मैंने 2 नाम तो आपको पहले ही बता दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 82 साल की बिल्किस बानो जो शाहीन बाग के आंदोलन में जमकर डट कर खड़ी रही किसी भी हर मौसम में और हर वक्त, पुलिस की लाठी, कानून का खौफ कुछ भी उन्हें नहीं डरा पाया। अब अगला नाम है आयुष्मान खुराना का, हम आगे आपको वो भी बताएंगे कि आयुष्मान खुराना का नाम जब सामने आया तो दीपिका पादुकोण जो अभी ड्रग के मामले में बहुत संदेह के घेरे में है, वो उनका भी रिएक्शन आया इस पर। आयुष्मान खुराना का नाम उन लिस्ट में शामिल किया गया है जो दुनिया के टॉप 200 चर्चित चेहरे या ताकतवर चेहरे हैं उसमें। साथ ही साथ एक और अहम बात आपको बता दें, इसमें कमला हैरिस जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, कमला हैरिस का नाम भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ इसी लिस्ट में शामिल किया गया है सुंदर पिचई को, सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं, भारतीय मूल के हैं, क्योंकि कमला हैरिस और सुंदर पिचई ये दोनों आपको पता है कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, इन दोनों चेहरों को इसमें शामिल किया गया है, जगह दी गई है। तो ये थी वो लिस्ट जो टाइम मैगजीन ने आज जारी की है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के 5 और चेहरे शामिल किए गए हैं, ये ताकतवर चेहरे हैं। पूरी दुनिया के इसमें 200 लोग हैं, भारत के 6 लोग हैं।